हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCC 131 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी। आज हम यूनिट 5 करने वाले हैं जिसका नाम है मोटिवेशन। आपके ये ब्लॉक 3rd के यूनिट 5 है, ठीक है। इसके पहले हमने 4 यूनिट्स कवर कर लिए हैं, तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे टॉपिक रहेंगे, पहला आपका इंट्रो रहेगा, फिर मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखो, सबसे पहले तो चीज़ इसमें ना, जो वर्ड है सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का तो अभी जैसे हमें मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकती है, इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी। हमारी खुद से अंदर भी आती है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से फिर जो हमें चीज़ चाहिए होती है ना, वो हमें मिलती है। जैसे अगर हमें कहीं जाना है बाहर, किससे मिलना है, तो उसके लिए हमें उठना है, फिर रेडी होना है, जल्दी से नहा धो के रेडी हो, फिर तैयार हो, फिर वहाँ से निकलो घर से, और फिर उसके पास जाके मिलो। तो वो जो मिलने वाला है, वो हमें, मतलब हमारा जो गोल था वो कंप्लीट करता है। तो मोटिवेशन हमारा ये है कि मोटिवेशन हमें एक अंदर से हमें बता, मतलब एक जो हमारा पूरा सेट होता है ना, एक गोल होता है जो हमें अचीव करना है, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारी आज की जो लाइफ है, अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हमारा जो बिहेवियर है, या आप कुछ भी कह लो, अगर हमें कुछ भी कोई भी टास्क कंप्लीट करना है, कोई पर्सन है उसको कुछ हेल्प चाहिए है, या फिर काम हमें कंप्लीट करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, या फिर कुछ और काम करने के लिए भी, हर चीज़ के लिए मोटिवेशन हमारा एक रोल प्ले करता है। हर एक चीज़ में, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन हमारी लाइफ में, क्योंकि मोटिवेशन की वजह से ही हम अपने लाइफ में जो भी काम होता है ना, उसको कंप्लीट कर पाते हैं और अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो उस चीज़ में हमारे, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके ना बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल भी एंड एक्सटर्नल भी। इंटरनल मतलब कि जो आपके अंदर से आते हैं, और एक्सटर्नल जो आपको बाहर से मिलती है, लाइक एनवायरनमेंट से, ठीक है। और इंटरनल मतलब आपके अंदर से, खुद से, सेल्फ से जो आपकी मोटिवेशन आपको मिलती है। ये क्या है ना कि ये हमारे अंदर ना एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम अपने जो भी हमारे डिज़ायर्स, नीड्स एंड गोल्स होते हैं, उनको कंप्लीट, मतलब उसको फुलफिल करने में हमारी हेल्प करते हैं। मोटिवेशन के अंदर ना 3 एस्पेक्ट्स आते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ये कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी हमें, मतलब हमारी जो बॉडली जो हमारी नीड होती है सेटिस्फेक्शन के लिए, उसमें हमारे इस पे बात की जाती है कि हमारे जो इंटरनल थॉट्स होते हैं, उनकी फीलिंग्स होती है, वो हमारी हेल्प करती हैं। सेकंड, एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट से, लोगों की वजह से हमें मिलती है, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज हो गई, ये हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं काम को करने में, तो ये हमारी सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। सेकंड होता है कि कोई भी काम है ना, उसको करने में, लाइक अगर हम इसे सोच के बैठ जाते हैं कि हमें ये काम करना है, बट फिर हमें ना वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उस काम को करने, मोटिवेशन तो हमें मिल गया कि उस पर, उसके बाद उस काम के ऊपर हमें अपना, मतलब पूरा 100% देना होता है, तब जाके होता है कि हाँ, मतलब हमें वो जो गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं। और थर्ड में ये आता है कि जो भी हमने एक्शन, मतलब जो भी हम काम करने लगे, फिर उसके बाद हम उस गोल को अचीव कर पाते हैं। फर्स्ट हमें कहीं से भी कोई भी मोटिवेशन, हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, सेकंड फिर हम उस चीज़ पे एक्शन करते हैं, फिर थर्ड हम उस गोल को अचीव करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं मोटिवेशन के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो नेचर क्या है मोटिवेशन का, तो इसका ये है कि ये डायरेक्टली लाइक गोल और या फिर ऐसे स्टेट को ना, मतलब फुलफिल करने के लिए है, कि उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ
मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप वो चीज़ ले सकते हो। तो मोटिव मतलब मोटिव्स हमारी हेल्प करता है कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है ना उससे रिलेटेड वो हमारी हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से उस काम को करना है, उसके लिए हमें कैसे बिहेव करना है। क्योंकि जब हम कोई भी वर्क करने के सोचते हैं कि हमें ये काम करना है तो उसके लिए ना हमें मतलब देखना पड़ता है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि हमें ना इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम ये काम करेंगे तो वो हमारा गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल साइकिल है ना वो हमारी हेल्प करती है कि हमारा जो बिहेवियर है उसको कैसे हम समझें। क्योंकि मोटिवेशनल साइकिल जब स्टार्ट होती है उसके साथ साथ हमारी नीड स्टेट ऑफ लैग डिफिट्स ऑफ सम नेसेसिटी ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि स्टेट ऑफ नीड में क्या होता है ना कि हमें एक ड्राइव मतलब हमें बताया जाता है कि हमें कैसे काम स्टार्ट करना है, क्या थॉट्स आने वाले हैं, और उसी की वजह से हमारे इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर भी उसमें आते हैं। क्योंकि इंटरनल फैक्टर आते हैं कि हमारे कौन से थॉट्स हमारे क्या चल रहे हैं उससे रिलेटेड कैसे हमें करना है, वो थॉट्स हमारे दिमाग में क्या आ रहे हैं, मेमोरीज़ क्या क्या आ रही है उससे रिलेटेड जो हमने पहले याद किए थे। एक्सटर्नल फैक्टर जो लोगों ने हमें कुछ समझाया हो उससे रिलेटेड, जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स आपको समझाए हैं वो आप उस टाइम पे रिमाइंड कर रहे हो, तो वो चीज़ हमारी एक्सटर्नल फैक्टर हमारी हेल्प करती है। उसके बाद आता है अगर हम मोटिवेशनल साइकिल की बात करें तो पहले नीड ड्राइव अरसोल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अचीवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ एसरो। मतलब कि ये जो चार सबसे मेन जो चार टर्म है ना वो ये होते हैं नीड ड्राइव इंटेंसिटिव एंड मोटिव्स। ये चार पॉइंट सबसे आपके मेन होते हैं। नीड्स में क्या है कि बायोलॉजिकल स्टेट है जो हमारे जो बायोलॉजिकल नीड्स होती है उनको सेटिस्फेक्शन देने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ड्राइव्स होता है कि आप जो भी मतलब एक होता है ना कि कोई भी काम है उससे रिलेटेड जो टेंशन होती है उसको कैसे रिलीव करना है वो आपकी हेल्प करती है। इंटेंसिटीज में क्या आता है कि आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है मतलब आपके जो एनवायरनमेंट में जो आप लोगों से मिल रहे हो जो आपके क्लोज है वो आपका एक रोल प्ले करते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, वो किस चीज़ से रिलेटेड जो भी इवेंट्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मोटिव्स। मोटिव्स भी हमारी ना हेल्प करता है कि जो भी कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको एक इंडिविजुअल को लाइक उस काम को करने के लिए आपको मोटिव्स करते हैं। और मोटिवेशन का क्या प्रोसेस होता है कि उसके साथ साथ उसको मोटिव भी किया जाता है ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सके, लाइक उस काम को इंक्लूड हो जाए उसके अंदर कि ऐसे काम करना है, ये करना है और इस तरीके से करना है कि आप अपने गोल्स को अपने डिज़ायर को अपनी नीड्स को अचीव कर सको। ठीक है, फिर उसके आता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले आता है बायोजेनिक मोटिव्स, ये आपका बायोलॉजिकल मोटिव्स है। अब इसमें क्या है कि आपके जो बायोलॉजिकल जो नीड्स होती है ना उनको कैसे बैलेंस करके रखना है और उसको कैसे रिस्टोर करके रखना है वो चीज़ आपके इसमें मोटिव्स में आपकी हेल्प करती है। जैसे हंगर मोटिवेशन, थ्रिस्ट मोटिवेशन एंड सेक्स मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद आता है साइकोजेनिक मोटिव्स, ये आपका जनरल मोटिव्स होता है। इसमें ज़्यादातर आपके जो एनवायरनमेंट में जो एक्सप्लोर किया जाता है मोटिव्स को उनको इंक्लूड किया जाता है क्योंकि वे मोटिव्स आपके चैलेंज मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज आती है उनको चैलेंज करने में एंड उसको डील करने में आपकी हेल्प करते हैं और आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका जो आपकी ओवरऑल जो सारी बेसिक नीड्स होती है ना मतलब हर एक चीज़ जब आपको मिल जाती है उसके बाद आपका एक्चुअल में सबसे मेन टॉप पे आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके एक्सप्लोइटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कॉम्पिटेंसी मोटिव्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, फिर उसके बाद थर्ड टाइप आता है साइकोजेनिक मोटिव्स। अब इसमें क्या है ना कि आपके सोशल ग्रुप से हो गया मतलब जो बाहर से लाइक किसी ने हमें गिफ्ट्स दिए, किसी ने फैमिलीज में हमें कुछ तारीफ़ें किए गई हमारी, मतलब ऐसे चीज़ें की जा रही है जिससे हमें खुशी मिल रही है और फिर उसके बाद उस
चीज़ को लेके जो भी हमें करनी है वो हम उस नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। जो नीड्स होते हैं ना वो पर्सन टू पर्सन होते हैं, चूँकि पर्सन टू पर्सन इसलिए चूँकि हर पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है एंड उसी के बेसिस पे आपकी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। अब जैसे मेरी नीड्स, हम दोनों की नीड्स सेम है बट हमारी पर्सनैलिटी अलग है, तो हमारा जो तरीका होगा ना अपनी नीड्स को फुलफिल करने का वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनैलिटी हम दोनों की अलग अलग टाइप की हो जाती है। ठीक है, अब इसमें आपके ना कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है एफिलिएशन मोटिवेशन। इसमें क्या है कि आप फ्रेंड्स वगैरह जो साथ में काम करते हो उससे हो गया। फिर अग्रेशन मोटिव्स, जो आपका फाइट वगैरह हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो उसको कैसे कम करना है, लोगों के साथ जो होता है उसको कैसे कम करना है वो आ जाता है। न्यूट्रिशन मोटिव्स में क्या आता है कि आपको दूसरे से हम कैसे प्रॉब्लम अगर कुछ आती है तो उसकी हमें कैसे हेल्प करनी है, उसकी कैसे केयर करनी है, उस नीड को हमें बताते हैं। डोमिनेंस में आपको पता ही है कि कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे हमारे कंट्रोल नहीं होता है तो उसको कैसे इन्फ्लुएंस करना है, उसमें हमारी हेल्प करता है। फिर आता है पावर मोटिव्स, ये हमारी पावर को गेन करने में हमारी हेल्प करता है ताकि हम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो सके कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। पहला इवेल्युएशनल अप्रोच, ये काफ़ी सारी थ्योरीज है, आई गेस 12 या 13 होंगी या फिर 10 से तो ऊपर है, तो हम सारी थ्योरीज देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला इवेल्युएशनल थ्योरी में क्या है कि इसमें क्या है, साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने मतलब ओवरऑल बायोलॉजिकल जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं उन सब चीज़ों को साथ में लेके हमें शुरू से समझाया कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। इसमें आपके इंस्टिंक्ट आती है, इसमें जो आपके इंस्टिंक्ट होते हैं ना वो प्रेजेंट आपकी बोथ्स मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में देखे गए हैं। शुरू में अगर हम बात करें तो जो विलियम मैकडोल है उन्होंने 18 टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट बताए थे जो कि आपके बिहेवियर से रिलेटेड, मतलब पूरा ये है कि बिहेवियर को रिलेट करके नहीं बताया जाता है कि आप इस कैसे बिहेव करते हो, बट ओवरऑल आपको डिज़ायर किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, बट आपके बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बस ये है कि आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन आप किस तरीके से बिहेव करते हो, कब कैसे करते हो, रोते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो या कैसे बोल रहे हो लोगों के साथ, वो चीज़ें डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन नहीं की जाती है, बस आपको एक ओवरऑल डिस्क्राइब किया जा सकता है। ओके, फिर आता है ड्राइव रिडक्शन मॉडल। अब ये ड्राइव थ्योरी क्या है, ये वो सबसे ज़्यादा वन ऑफ अप्रोच मोटिवेशन थ्योरी है जिसे हम पुश थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है, जो ड्राइव रिडक्शन मॉडल है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें कुछ जो बायोलॉजिकल नीड होती है वो कम होती है और उसी की वजह से कुछ जो हमारी सेटिस्फेक्शन है मतलब हम जो नीड्स जो हमारी नीड होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम उसको पुश करते हैं। ये दो तरीके से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है कि जैसे अगर हमें भूख लगी है, हमें सोना या सेट्स वगैरह रिलेटेड कुछ ऐसे नीड्स होती है तो इन सब की जो एक इंडिविजुअल को नीड होती है तो उसको वो कैसे मतलब एक अंदर से ना पुश करते हैं कि हाँ इन चीज़ों को आपको फुलफिल करना है। ठीक है, सेकेंडरी में आता है आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है और जो आपका लर्निंग फेस है उसके बेसिस पे आप की जो नीड है ना वो डेवलपमेंट होने लग जाती है, मतलब आप उसके बेस पे आप कुछ भी अचीव करने की कोशिश करते हो। मतलब हम कहते हैं ना कि हमारा जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है ना उसके बेसिस पे आप फ्यूचर के या फिर प्रेजेंट के डिसीजन हम बहुत इजली ले पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम पे हमने ऐसा हुआ था तो इस तरीके का रिजल्ट आया था, तो वो चीज़ हमें दोबारा नहीं करनी है। फिर आता है थर्ड ऑप्टिमल अक्रॉस मॉडल। देखो अब इस मॉडल में क्या है ना कि इसमें हमें ना एक चीज़ सिखाई बताई गई है। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि ये यर्कस डॉडसन लो ने ये मॉडल बताया था। तो इसका जो रिलेशनशिप है ना वो परफॉर्मेंस और आर्सोल के बीच में है, तो नीचे आपका रहेगा आर्सोल और साइड में आपका रहेगा परफॉर्मेंस। अब जैसे आप देख रहे हो कि ग्राफ लो से शुरू हो रहा है,
मिट्टी के जब आप वीक होते हो, फिर धीरे 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 ऊपर होता जा रहा है। तो मतलब आपका जो इंटरेस्ट है और जो आपकी अटेंडेंस मतलब अटेंशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, और जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होती जाएगी एक ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच जाएगी जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस भी और आंसर भी दोनों साथ में होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो डाउन होने लग जाता है, और जैसे जैसे वो डाउन होता जाएगा ना तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, क्योंकि आपको ना एक एंग्जाइटी होने लग जाएगी, स्ट्रॉन्ग एंग्जाइटी, और आपका जो एसोल वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको ना फिर वो एंग्जाइटी होने लग जाएगी। क्योंकि हमें कहते हैं ना कि कुछ भी काम करने, अगर हमें कुछ भी काम करना होता है तो एक लिमिट की हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, या फिर एक लिमिट का ही हर चीज़ है जो हम कर सकते हैं। स्ट्रेस भी हो सकता है, वो परफॉर्मेंस भी हो सकता है, कुछ भी बोलो, बट एक लिमिट तक ही हम कर सकते हैं। जब उससे ज़्यादा करते हैं ना तो वो चीज़ है ना डाउन होने लग जाती है, और अंदर है ना एंग्जाइटी होने लग जाती है। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत बात है। ये चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे तो नीचे मुँह के बल गिरोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है इंसेंटिव थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या है कि हमने पीछे भी पढ़ा था, जो हमारे एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके अच्छे स्कोर आए, जैसे 10th और 12th के सबसे ज़्यादा माने जाते हैं फैमिलीज़ में कि 10th में अगर तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए तो तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो गिफ्ट ले सकते हो। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हो आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो आपको अच्छे जो भी आपकी नीड्स होती है, जो भी आप चाहते हो लेना कि मैं ये चीज़ लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, तो वो आपको मिल जाती है। तो अब ये हो गई आपकी इंसेंटिव थ्योरी। फिर आता है कॉग्निटिव अप्रोचेस टू मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का तो आपको पता है कि उसका रिज़ल्ट क्या होता है, कि लोगों के थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्सेप्टेशंस एंड गोल्स, इन सब का रिज़ल्ट होता है। पर जो थ्योरी है वो हमारी हेल्प करती है ये डिफ्रेंशिएट करने में कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली मोटिवेशन क्या है। क्योंकि हमें पता है कि इंटरनली मतलब आप जब अंदर से जो आपको खुद से मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि देखो 12th के बाद ना आपको कोई नहीं बोलता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि अब हमें अपना लाइफ सेट करना है, हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको जो आपका गोल होता है वो सेट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना रूटीन सेट करते हो, तो आपकी खुद की हो गई। और 12th के पहले पहले आपकी फैमिली आपके ऊपर प्रेशर डालती है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर मोस्टली तो जहाँ तक हमें पता है 8th क्लास या 10th क्लास द लास्ट फैमिली वाले प्रेशर देते हैं पढ़ लो, जो उसके बाद तो फिर खुद ही बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, तो वो ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 6th वाली आपकी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप जैसे कि कोई भी जैसे आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें बच्चे जब एक स्पेसिफिक गोल सेट कर लेते हैं ना, तो उसको उसके लिए आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देनी होती है। क्योंकि हमें बहुत सारे टास्क हमें फेस करने पड़ते हैं, टेस्ट हो गए, यूटीज हो गई, कुछ वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, पता नहीं क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है, वो सारे टास्क हमें करने होते हैं एंड उसके बाद हमारा रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। फिर 7th है हमारी हायरार्किकल थ्योरी। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको बताई थी ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो इसी से है। ये मैस्लो ने आपकी थ्योरी दी थी। तो इसमें देखो सबसे नीचे आप नीचे देखोगे तो साइकोलॉजी नीड, जब आपकी साइकोलॉजी नीड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आती है आपकी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में आपके घर हो गए, फाइनेंस हो गए, ये सारे हो गए। फिर उसके बाद लव बिलोंगिंगनेस नीड हो गई, फिर स्टीम नीड्स होगी, एंड फिर लास्ट आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आप सारी चीज़ें नीड आपकी जितनी भी नीड्स होती है वो सारी फुलफिल कर चुके होते हो, ठीक है। ये आपकी मैस्लो ने आपकी ये दी थी, जो आपकी नीड्स को लेके बताया गया है कि सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल नीड आती है, फिर सेकेंड आती है आपकी सेफ्टी नीड। जब हमारी साइकोलॉजी नीड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम सेफ्टी नीड देखते हैं, फिर उसके बाद जब सेफ्टी नीड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम लव नीड देखते हैं,
एंड फिर हम स्टिमुलेट्स देखते हैं, एंड फिर उसके बाद हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है जहाँ पे हमारी सारी नीड्स कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में आपके 3 इननेट्स आते हैं जो कि आपकी यूनिवर्सल नीड्स होती हैं, जो कि आपकी हेल्प करती है कि कुछ भी अगर आपका रिलेशनशिप होगा दूसरों के साथ वो कैसे अच्छे से चल सकता है, उसको किस तरीके से आपको बिल्ड करके रखना है कंप्लीट अच्छे से, मतलब होता है कि आप प्रॉपर किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज करके रख सकते हो, तो वो चीज़ है उसमें आपका ऑटोनॉमी कॉम्पिटेंसी एंड रिलेटेडनेस आती है। ठीक है, फिर आते हैं सेल्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब सेल्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये आपका साइकोलॉजिस्ट कारोल डिवेक 1999 में बताया था, उन्होंने इसको बताया था, ये आपका पर्सनालिटी फैक्टर से रिलेटेड है। इसमें ये है कि कैसे आपको अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को ध्यान देना, मतलब कितना मतलब लोकस ऑफ कंट्रोल से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है ये वाली अप्रोचेस। इसमें क्या है ना कि अगर आप फेल हो जाते हो या सक्सेस हो जाते हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके एक्शन पे, मतलब अगर कुछ भी होता है बाय चांस आप या तो सक्सेस होते हो या फेल होते हो, ये दो चीज़ें होती है। अब इन दोनों चीज़ों में से आपका उसके बाद क्या एक्शन आता है वो चीज़ उसमें देखी जाती है। ठीक है, फिर आती है आपकी 10th जिसमें एल्डरफोर्ड ERG थ्योरी। अब ERG क्या है, एक्जिस्टेंसी रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। अब ये थ्योरी आपकी क्लेटन पी एडलफोर्ड ने दिया था जो कि सिमिलर है आपके मैस्लो थ्योरी से, मींस उसमें तो आपके हमारे 5 थे बट इसमें उसमें हमारे 5 लेवल थे ना, जिसमें हमने साइकोलॉजी नीड और सेफ्टी नीड, लव नीड्स, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखा था, बट इसमें हमारे 3 ही लेवल हैं, लोएस्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल एंड लास्ट लेवल। पहला आता है साइकोलॉजी नीड एंड सेफ्टी नीड जो दोनों आपके लोएस्ट लेवल में आ गए। नेक्स्ट लेवल सोशल रिलेशनशिप, मतलब बाहर जो आपका रिलेशनशिप होता है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। फिर लास्ट लेवल आता है वन पोटेंशियल डेवलप कॉम्पिटेंसी एंड सो ऑन, ये आपका लास्ट होता है लेवल जहाँ पे आपको कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी होती है। ठीक है, ये आपका ज़्यादातर ये वाली जो थ्योरी है ये अप्लाई की जाती है वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आपकी जो एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना उसको इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, फिर आती है 11th जिसमें हार्बर्ज 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें मेनली 2 चीज़ों पे फोकस किया गया है, जिसमें हाइजीनिक फैक्टर एंड मोटिवेशनल फैक्टर, जिसमें हमारा सेटिस्फेक्शन भी एंड डिससेटिस्फेक्शन दोनों फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फिर आता है 12th जिसमें मैकलिल एंड एक्वायर्ड नीड थ्योरी आती है, जिसमें 3 बेसिक नीड्स जो होती हैं उनको हाईलाइट किया गया है, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। नीड फॉर अचीवमेंट में क्या है ना कि जो भी आपके चैलेंजेस हो गए, ओवरकमिंग हो गए, डिफ़िकल्टीज हो गई, कॉम्पिटिशन्स हो गए, उन सारी चीज़ों को आपके अंदर जो स्किल होती है उसको कैसे डेवलप करते हो, इन सब चीज़ों को कैसे अचीव करते हो, वो रिलेट करता है आपके नीड फॉर अचीवमेंट पे। ठीक है, नीड फॉर एफिलिएशन में क्या है ना कि इसमें ये रिलेट करता है कि आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करके हो, कैसे क्लोज रखते हो, इंटीमेट करते हो, वो कैसे मेंटेन करके रखा जाता है, सबसे ज़्यादा मेन ये चीज़ होती है। फिर नीड फॉर पावर, पावर मीन्स आप कैसे इन्फ्लुएंस होते हो, कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे कंट्रोल करते हो दूसरों के साथ, वो चीज़ इसमें रिलेट की जाती है। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन आपका कब होता है, जब आप एक गोल सेट करते हो तो उसको अचीव नहीं कर पाते हो, तब आप इस साइकोलॉजी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है एंड देन उसके बाद हम फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। इसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें कई सारे ऐसे सिचुएशन इंक्लूड हो जाती हैं जैसे कि लोगों के साथ हमारी अच्छे से बनती नहीं है, और या फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा गोल हो सकता है जो कि हम अचीव करना चाह रहे थे बट हम वो नहीं कर पाए। ठीक है, पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेज कम होती हैं, एबिलिटी नहीं है हमारे पास कि हम
इस काम को पूरा कर सके, जो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है वो इंटेलिजेंसी, हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंसी नहीं, मतलब हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि हम पढ़ाई में कि हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सके, जो भी हमने गोल सेट किया था वो हम पूरा कर सके, नहीं हो पाता है। फिर आते हैं कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स में भी क्या है कि कई बार हमें ना अलग अलग चूज़ नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से हमें, मतलब लोगों से बात करना चाहिए कि इस तरीके से बात करना है तो कौन से मोटिव्स के हमारी ज़रूरत है, तो वो कन्फ्लिक्ट्स में हमें ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है एंड उसी की वजह से हमारे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है एंड फिर हम प्रॉब्लम फेस करते हैं बहुत सारी। ठीक है, अब इसी में हमारा आता है कन्फ्लिक्ट। देखो कन्फ्लिक्ट हमारे ना चार टाइप के होते हैं, अप्रोच कन्फ्लिक्ट, अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट एंड अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट एंड लास्ट हमारा मल्टीपल अप्रोच कन्फ्लिक्ट्स। देखो सबसे पहला जो अप्रोच कन्फ्लिक्ट है, इसमें क्या है ना, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि अगर आपके सामने दो गोल्स हैं, दोनों आपके पॉजिटिव हैं, इधर वाला गोल भी पॉजिटिव है उधर वाला भी गोल पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, खुशी खुशी आप वो चीज़ कर लोगे। सेकंड आता है अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट, जिसमें आपके जो दोनों गोल हैं वो नेगेटिव है, अगर आप इधर भी काम करोगे तब भी नुकसान है, इधर करोगे तब भी नुकसान है, मतलब दोनों जगह जाओगे तो कुएं में ही जाओगे, तो इससे अच्छा है उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आपको अवॉइड ही करने की कोशिश करोगे। फिर आता है अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट, अब इसमें क्या है कि कुछ भी काम करो आपके पास गोल वही एक ही है, अब उसमें चाहे खुश होके करो या उदास होके करो, क्योंकि उसमें दोनों पॉइंट्स आपके नेगेटिव भी पॉइंट्स और प्लस पॉइंट भी है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको रखोगे या नहीं रखोगे, अगर रखोगे तो आपको नेगेटिव पॉइंट भी झेलना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो आपका जो प्लस पॉइंट है वो चला जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, फिर आता है डबल अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट भी हम इसको बोलते हैं, तो इसमें क्या है ना कि इसमें जो आपकी दोनों गोल्स हैं उन दोनों गोल्स में एक नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मींस अगर आप पहला गोल सेट करते हो तो उसमें भी आपका एक प्लस पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा, अगर दूसरा वाला गोल सेट करते हो उसमें भी आपका एक प्लस और माइनस पॉइंट रहेगा, वो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप IAS की जॉब करो और आप चाहते हो कि मैं म्यूज़िक उसमें, मतलब म्यूज़िक लाइन में जाऊं, उसमें अपना करियर सेट करूं, तो देखो अगर आप म्यूज़िक लाइन में जाते हो तो आपका प्लस पॉइंट होगा, आपके पेरेंट्स खुश नहीं होंगे, वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, अगर आप IAS में जाओगे IAS की जॉब करते हो तो उसमें आपके पेरेंट्स का प्लस पॉइंट हो जाएगा और आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो वो कन्फ्लिक्ट हमारा ये होता है। तो ये था आज का हमारा पूरा चैप्टर एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप हमारे क्वेरी ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई और क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं, बाकी हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं हर चीज़ में एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।